ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम किए। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो फॉर्म हमें भर के ले जाने हैं उसका परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस आर ओ में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे मान लो आपका जम्मू आर ओ में सिलेक्शन हुआ, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है और वहाँ पे आपको ऐसे ये तो ये अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है परफॉर्मा फॉर हर आरओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे परफॉर्मा डाल रखे हैं। ठीक है, आपको उसी के आरओ से डाउनलोड करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप देखो, क्योंकि आप जिस आरओ का में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे उस आरओ का नाम लिखा होगा, लिखा है ना केंद्र विद्यालय रीजनल ऑफिस जम्मू, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और ये ओथ वाला लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन आपको अपने आरओ की वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो वाला, वैसे तो सारे उसी से कर लो, कोई डाउट नहीं, लेकिन जिनके ऊपर उनका नाम लिखा है आरओ का, ठीक है, ये देखो जम्मू लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, हर आरओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है वहाँ से डाउनलोड कर लो और इसे भर लो। और आज शाम को मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि हमने जो भरा था उसका पीडीएफ हम पे अभी भी है, तो हम आपको दिखा देंगे। और कुछ है नहीं ऐसा कि किसी से देखना पड़े, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे कि भरना कैसे है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक। कई जो फीमेल पूछ रही थी कि हमने या मेल की शादी हो गई है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लेना, बाद में जब सर्टिफिकेट बनेगा तो आप अटैच कर देना, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें आसान है, हो जाएगी, बस मेन था पेपर निकालना।